होंगे, लेकिन सिंगापुर के घरों के कुछ खास बातें हैं जो इनको अदर कंट्री के घरों से कुछ अलग बनाती है। हाय, मेरा नाम है मनीषा एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। होप यू ऑल आर डूइंग वेल। तो आज के वीडियो में बात करने वाले हूँ सिंगापुर के घरों के कुछ खास बातें। लैंडेड हाउस दिखने में तो बाहर से सेम ही दिखते हैं बाकी अदर कंट्री की तरह, लेकिन इनके स्ट्रक्चर की कुछ खास बातें हैं जो इनको अदर कंट्री से कुछ स्पेशल बनाती है। जैसे मेरे पीछे जो घर दिख रहा है वो इतना बड़ा घर दिखने में तो एक दिख रहा है, लेकिन ये एक घर नहीं, इसके अंदर दो घर है। इसके एग्जैक्टली बीचों बीच पार्टीशन है। तो यहाँ पे दो पर्सन मिलके एक बड़ा हाउस बिल्ड करते हैं। उन दो पर्सनों में चाहे वो भाई हो या फिर पड़ोसी हो या फिर आपके रिलेटिव्स हो, सिंगापुर जैसी एक्सपेंसिव कंट्री में इतना बड़ा घर अफोर्ड करना सबके पास की बात नहीं है। और यहाँ पे ऐसा इसलिए करते हैं ताकि यहाँ पे इतना बड़ा घर बिल्ड कर सके एंड यहाँ पे इस इतने बड़े घर का लुक भी आ सके। तो अब भी बात करते हैं यहाँ के घरों के सेकंड पॉइंट पर। यहाँ के घर किसी भी घर के स्ट्रक्चर के साथ में या उनके डिजाइन के साथ में कॉपी नहीं किए जाते, सब यहाँ पे यूनिक डिजाइन रहती है। तो मैंने रिसेंटली एक वीडियो ऐड किया था रिगार्डिंग द रेंटल प्रॉपर्टी इन सिंगापुर, तो अगर कोई इंटरेस्टेड है तो वो जाके चेक कर सकते हैं। मैं डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दे दूंगी। मैंने उसमें बताया कि यहाँ पे डिफरेंट टाइप के प्रॉपर्टीज़ का आइडियली कितना रेंट होता है। तो यहाँ के घरों में इनका लेटर बॉक्स इनके मेन गेट के सामने ही रहता है, तो इनको अपने लेटर कलेक्ट करने के लिए कहीं और नहीं जाना पड़ता। इनका जो पोस्टमैन है वो इनके लेटर बॉक्स में इनका लेटर ड्रॉप करके चले जाते हैं। सिंगापुर के जो लैंडेड हाउस है यहाँ पे लोग अपनी गाड़ियों को रोड पे पार्क करते हैं। अब आप सोच रहे हो कि सिंगापुर जैसी डेवलप कंट्री होके भी यहाँ पे गाड़ियों को रोड पे पार्क किया जाता है? तो ये जो रोड है इस पे पब्लिक ट्रांसपोर्ट अलाउड नहीं है, और यहाँ के जो पर्टिकुलर स्ट्रीट के जो लोग हैं या उनके जो घर है उन्हीं के गाड़ियाँ यहाँ पे पार्क कर सकते हैं। तो यहाँ पे सेफ्टी भी है इस रोड पे और वो इजीली से यहाँ पे पार्क कर सकते हैं। दूसरा, यहाँ के लोग काफ़ी डिसिप्लिन है, तो यहाँ पे अगर इनका घर नहीं है तो वो किसी भी स्ट्रीट में जाते नहीं है। सिंगापुर में लैंडेड हाउस सेपरेट जगह पे होते हैं, यानी कि जहाँ पे बिल्डिंग है वहाँ पे सिर्फ बिल्डिंग रहती है और जहाँ पे लैंडेड हाउस है वहाँ पे सिर्फ लैंडेड हाउस रहते हैं। जैसे आप मेरे पीछे देख सकते हो कि मेरे राइट साइड में है बिल्डिंग एंड मेरे लेफ्ट साइड में है सिर्फ लैंडेड हाउस और बीच में है रोड। सिंगापुर के लैंडेड हाउस के सामने इनका एक बिन का पेटी रहता है, यानी कि कचरे का बॉक्स, तो इनको अपना कचरा उठा के कहीं लेके नहीं जाना पड़ता। ये घर के सामने ऐसे बॉक्स रख देते हैं और इनकी जो गाड़ी है वो कचरे वाली वो उठा के और इनका कलेक्ट करने के लिए आ जाती है, विच इज़ वेरी कन्वीनियंट फॉर देम। मैं भी खड़ी हूँ यहाँ के पार्क में, जो यहाँ पे है चारों तरफ घिरे हुए लैंडेड हाउस और बीचों बीच यहाँ पे बनाया हुआ है पार्क। तो ये पार्क बेसिकली यहाँ पे इनके बच्चे इंजॉय कर सकते हैं और यहाँ पे इनके अडल्ट्स भी एक्टिविटीज कर सकते हैं। तो यहाँ पे सिंगापुर जैसी एक्सपेंसिव कंट्री में सबसे पहले लैंडेड हाउस होना ही बहुत बड़ी बात है, और उसके ऊपर यहाँ पे ऐसी फैसिलिटी लाइक ए गार्डन देना, ये तो सोने पे सुहागा वाली बात हो गई। बस यही था आज के वीडियो में। आई होप आपको ये सब यहाँ के घरों की कुछ खास बातें देखकर अच्छा लगा हो। अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड वी विल सी यू सून नेक्स्ट वीक। तब तक के लिए बाय बाय एंड स्टे सेफ।